तो हमारे जो बड़े बड़े लीडर हैं, जैसे तेजस्वी जी हो गए हमारे छोटे भाई, फिर से आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हो गए, नीतीश कुमार जी हो गए, तो जितने भी लोग हैं महागठबंधन के लोग जो हैं, आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ भी बिहार में भी महागठबंधन की बैठक हुई थी, तो किस तरीके से जो विरोधी खेमा है, जो भाजपा आरएसएस माइंडेड जो लोग हैं, उनको किस तरीके से तिलमिला गया, वो व्यक्ति तिलमिला गया पूरे तरीके से, कि अब जो है पूरे भारत में अब जो है। और ये भी हम आज आपको स्पष्ट क्लियर रूप में ये भी हम बता देना चाहते हैं, स्पष्ट क्लियर रूप में ये बता देना चाहते हैं कि 24 में और 25 में ये हम भविष्यवाणी आपके सामने कर देना चाहते हैं कि केंद्र जो सरकार है वो गद्दी छोड़ के हिल जाएगी, गद्दी छोड़ देगी, ये मेरा भविष्यवाणी है। और हमको मजबूती प्रदान करने का बिहार में ही नहीं, छात्र राजद भारत जो हमने पेज बनाया वो बिहार में ही नहीं, पूरे बिहार के बाहर भी, चाहे यूपी हो, बंगाल हो, झारखंड हो, तमाम जगह जितना भी स्टेट है इंडिया का, सब जगह फैल करके और पूरे तरीके से हम इसको मजबूत करने का काम करेंगे। के जो 24 25 में उसकी तैयारी हम लोग करेंगे, कौन कहां बिखर गया, कौन कहां टूट गया, उस पे मत जाइए, आप फोकस कीजिए कि आपका जो बिहार, तो हम लोगों ने कैप्चर किया, हम लोगों ने कैप्चर किया नीतीश कुमार जी के साथ, हम लोग आए सब लोग गठबंधन में आए, अब बिहार से बाहर भी तो हम लोगों को कैप्चर करना है ना। तो इसलिए जितने भी छात्र के जितने भी संगठन है, छात्र राजद के संगठन है, और छात्र राजद समझिए कि बाहर भी है, दिल्ली में भी है, जेएनयू में, तो जहां जहां लड़के हमारे सबको एकत्रित किया जाए और उसके बाद एक छात्र राजद भारत को पूरे तरीके से मजबूत किया जाए। और हम लोग महागठबंधन के साथ हैं, और महागठबंधन के साथ होने के नाते हम लोग का जिम्मेवारी भी बनता है कि एक सैनिक होने के नाते, एक सिपाही होने के नाते, इस जिम्मेवारी को निभाने का हम लोग काम करें। तो इसलिए मैं लाइव आया था, और बहुत जल्द मैं एक बैठक भी बुलाऊंगा कि अगला इतवार को हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी जो प्रदेश अध्यक्ष जो है अपने छात्र राजद के गगन जी, वो भी काबिलियत तारीफ है, वो भी बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, और उनकी पूरी टीम को भी मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देने का काम करता हूँ, और रात दिन एक करके वो लोग मेहनत कर रहे हैं। तो तमाम लोगों को मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ, और बहुत लोगों को धन्यवाद इसलिए मैं देना चाहता हूँ कि लंबे समय के बाद आप लोग लाइव में आए और हमारे लाइव को देखने का आप लोगों ने काम किया, जुड़ने का काम किया। आप यहीं से मैं विदा लेता हूँ, क्योंकि अब अगला बैठक क्योंकि हमको बुलाना है, तो सबसे डिस्कस करके उसके बाद उस बैठक में हम चाहेंगे कि तेजस्वी जी जो हमारे छोटे भाई हैं वो भी रहें, वो भी अपनी कुछ बात को कहने का काम करेंगे, और हम भी कुछ बात को अपना कहने का काम करेंगे। तो इसलिए पूरे तरीके से इसको मजबूती करना है, और किसी से डरना नहीं है, छात्र राजद ना किसी से डरा है पहले कभी, ना किसी से डरेगा, जो भी काम किया है डंके के चोट पे करेगा। तो ये हम आपको कहना चाहते हैं, और हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का पूरा समर्थन आप लोगों को मिलने का काम करेगा, जितने भी छात्र हैं, जितने भी नौजवान हैं, और हमारे तरफ से भी पूरे तरीके से छात्र नौजवानों को हम सपोर्ट करने का काम करेंगे हर एक तरीके से। इसलिए आप लोग पूरे तरीके से मजबूती के साथ रहिए, और एक मजबूती तरीके से रहिए, और डिसिप्लिन, हाँ हमारे पिता बोलते हैं कि जितने भी छात्र के लोग हैं वो अनडिसिप्लिन हो जाते हैं कभी कभी, तो हम बोलते हैं कि अनडिसिप्लिन नहीं होते हैं, हमको देखते हैं या आपको देखते हैं तभी वो होश खो बैठते हैं। अब कोई भी है कि अपने नेता को, अपने लीडर को अगर दिल से चाहेगा तो वो होश खो बैठता है, लेकिन हम ये बताएंगे हमारे दोस्तों कि आप लोग पूरे तरीके से डिसिप्लिन का भी परिचय देने का काम करेंगे। तो ये हम कहना चाहते हैं, और अगला बैठक हम संडे को बुलाना चाहते हैं, आप लोग से रूबरू बस होना चाहते हैं, और कोई कोई ऐसा विशेष हमारा ओकेजन नहीं है, बस एक एक पारिवारिक जो है बैठ करके, कैसे एक परिवार एक दूसरे के साथ बैठ के खाता है, फिर से उसका डिस्कस वगैरह करता है सब लोग, तो उसी तरीके से हम बस एक डिस्कस करना चाहते हैं बस, और कुछ नहीं।